ये तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं हरियाणा के करनाल जिले के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल के ठीक सामने की। इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बैनर के तले काफ़ी जो डॉक्टर है कैंडल मार्च लिए जो है विरोध जताते हुए नज़र आ रही हैं। कुछ डॉक्टर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बात करना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस विषय को लेकर आज तो हमारा कहना ये है कि कोई घुसपैठ नहीं होनी चाहिए, कोई सीमा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, कोई अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। आयुर्वेद और एलोपैथ ये दो अलग अलग सिस्टम हैं, इनको अपना अपना काम करने देना चाहिए। वो हमारे काम में दखल ना दे, हम उनके काम में दखल बिल्कुल नहीं देते। और ये तो ऐसे लगता है कि सरकार उनको सर्जरी का सारा कुछ अलाउ करके एक हमारी बी टीम बनाना चाहती है और लोगों के पल्ले डालना चाहती है कि जो बेचारा इधर अफोर्ड नहीं कर सकता वो उसके पास जाए चाहे मरे। तो हमारा इसका पूरा विरोध कर रहे हैं और इसमें जनता की भी भलाई है। ये पूरे हिंदुस्तान में विरोध हो रहा है, ऑल ओवर इंडिया। हाँ, तो आप ये देख सकते हैं काफ़ी जो डॉक्टरों की संख्या है वो यहाँ पर देखी जा रही है। आप बताएं क्या कुछ कहना चाहिए। ये जो कैंडल मार्च है आज सरकार के एक आदेश के खिलाफ है जिसमें वो सब पद्धतियों को मिक्स कर रहे हैं। हमारा कहना ये है कि सब पद्धतियों को अपनी सीमा में रह के काम करना चाहिए। कोई भी आदमी एक पत्ती में पढ़ाई करके दूसरी पत्ती में काम ना करे क्योंकि वो उस काम करने में सक्षम नहीं है। इससे पेशेंट का इलाज प्रभावित होगा, पेशेंट का नुकसान होगा और समाज में कन्फ्यूजन होगा। तो पूरे विश्व भर में ये पूरे ऑल ओवर इंडिया ये पर आज प्रदर्शन चल रहा है पिछले एक हफ्ते से, और दो घंटे के लिए डेली हम एक हफ्ता ओपीडी बंद रखेंगे, काले बैजेस पहनेंगे और कई जगह पे हमारी दिल्ली में जो हमारे आईएमए हेडक्वार्टर पे हमारी भूख हड़ताल भी चल रही है। ये आप देख सकते हैं हर एक के हाथ में जो बैनर है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। आप इस वीडियो को साथ के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं हरियाणा के करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल के ठीक सामने की। हम आपको ये तस्वीरें दिखा रही हैं जहाँ पर सभी जो आईएमए के जो मेंबर्स हैं, जो डॉक्टर हैं, वो यहाँ पर विरोध जताते हुए नज़र आ रहे हैं। आप इस वीडियो को साथ के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। कैंडल हर एक के हाथ में है और कहीं ना कहीं जो ये विरोध है वो पूरे हिंदुस्तान में देखा जा रहा है। आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से काफ़ी संख्या में जो डॉक्टर हैं वो इस वक्त उनकी जो मौजूदगी है वो यहाँ पर देखी जा रही है। भले ही महिला डॉक्टर हो, पुरुष डॉक्टर हो, सभी लोगों की यहाँ पर जो संख्या आप देख सकते हैं कि काफ़ी लोगों की जो संख्या है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के करनाल जिले के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल के ठीक सामने की। इस वक्त हम आपको ये तस्वीरें दिखा रही हैं जहाँ पर विरोध जो है जताया जा रहा है। आप बताएं क्या कुछ। हम सब पूरे हिंदुस्तान के डॉक्टर्स, एलोपैथी डॉक्टर्स गवर्नमेंट के उस डिसीज़न के अगेंस्ट हैं जिसमें आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को भी सर्जरी करने की परमिशन दी गई है, चाहे उन्हें वो प्रॉपर ट्रेनिंग मिली है या नहीं मिला है, फिर भी वो ट्रेनिंग करना चाहते हैं, ये ऑपरेशन करना चाहते हैं, जो कि ठीक नहीं है। हम चाहते हैं कि वो अपने सिस्टम से चलें, हम एलोपैथी वाले अपने सिस्टम से चलें। ये खिचड़ी पैथी, खिचड़ीफिकेशन, मिक्सोपैथी नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट सोचती है कि उससे आम पब्लिक को फ़ायदा होगा लेकिन इनडायरेक्टली उनको नुकसान होगा। वो उनको समझ नहीं है कि वो ये डिसीजन इस ढंग से ले पा रहे हैं। उनका सोचना है कि अगर आम आदमी सर्जरी करवाना चाहता है तो किसी बीएमएस डॉक्टर के पास सस्ते में करवा सकता है। सस्ते में तो करवा लेगा लेकिन वो क्वालिटी नहीं दे पाएगा जो एक सर्जन जिस ढंग से वो 10 साल से ट्रेंड है एलोपैथी में, जिस तरह से वो कर पाता है। फिर एनएससीसीया देने की पद्धति तो आयुर्वेद में है भी नहीं, तो ये सब मिक्सोपैथी नहीं होना चाहिए, ये हमारी डिमांड है। तो क्या सरकार को क्या आह्वान करना है? सरकार को हम चाहते हैं कि सरकार को बीएमएस, बीएचएमएस और एमबीबीएस तीनों अलग अलग जैसे चल रही हैं वैसे ही चलते रहने चाहिए, उनको मिक्स नहीं करना चाहिए, मिक्स नहीं करना चाहिए। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से फिलहाल एक जो विरोध है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। महिला डॉक्टर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विषय? एक्चुअली हम लोग ये मार्च जो निकाल रहे हैं कि मिक्सोपैथी के अगेंस्ट, कि हम सरकार से हमारी यही गुजारिश है कि किसी भी ब्रांच को मिक्स ना किया जाए। हर एक ब्रांच के अपने प्लस पॉइंट्स होते हैं, माइनस पॉइंट्स होते हैं, सो इसी को कंटिन्यू करा जाए जैसे वो पहले। सरकार को क्या आह्वान करना चाहिए? यही आह्वान है कि हमारे साथ इनका मिक्सिंग ना करा जाए। अगर इन्होंने करना है तो ये अपने हिसाब से करें, अपने तंत्र के हिसाब से करें, हम लोग अपने हिसाब से करें। आप क्या कहना चाहेंगे?
जी देखिए, मैं आपके माध्यम से देश की जनता के सामने भी दो तीन बातें रखना चाहूँगा कि जो नए प्रावधान आए हैं ये किसी के पक्ष में नहीं है, ये ना तो आम सामान्य जन के पक्ष में है ना ही डॉक्टर्स के पक्ष में, चाहे वो एलोपैथी के डॉक्टर्स हो या आयुर्वेदिक के डॉक्टर्स हो। इवन आयुर्वेदा को इससे नुकसान होगा लंबे समय में, आप देखेंगे तो आयुर्वेदा के अंदर एक ह्यूज पोटेंशियल है जिसको सरकार डिस्क्रिमिनेट करने की कोशिश कर रही है। तो हम चाहेंगे कि हमारे साथी डॉक्टर्स भी इसमें जुड़ें और सरकार हमारी बात मांगे। आज कितने डॉक्टर यहाँ, कितने लोग आए हैं? देखिए आज करनाल भर के पूरे और डॉक्टर्स भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ IIMA के और कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज में जो MBBS के छात्र हैं जो यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं वो भी हमारे साथ सभी जुड़े हुए हैं। जी आप इस वीडियो को साथ के साथ शेयर अवश्य कर दीजिएगा। कुछ बैनर यहाँ पर आप देख सकते हैं, आई एम नॉट लकी आई वर्क फॉर इट, इस तरीके के जो मैसेज हैं वो यहाँ पर देखे जा रहे हैं। IIMA लॉन्चेस द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ मॉडर्न मेडिसिन फ्रॉम द फोर्सेस ऑफ मिक्सोपैथी, तो इस तरीके की जो संदेश है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अपडेट आपको देते रहेंगे, आप इसी तरीके से बने रहिएगा करनाल स्टूडेंट।